तो बहुत से लोगों के मेरे पास आज मतलब कमेंट आ रहे थे कि जो वो 3D वाली एडिट है वो कैसे करी है। मतलब मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आप बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे एडिट करी है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैंने कैसे, मतलब मैंने और लोग भी कैसे एडिट करते हैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप कैपकट ओपन कर लो, उसके बाद आपको जो भी बैकग्राउंड लेना है वो आप ले लो, मैं ये ले रहा हूँ इसे। आप मैं इसको 10 सेकंड का एडिट करूँगा कुल, क्योंकि मुझे आपको सिखाने के लिए 10 सेकंड ले रहा हूँ मैं। उसके बाद आप मार्क्स पे जाएंगे, सॉरी, उसके बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम आपको वैसे ही करना है। उसके बाद दोस्तों ज़रा सा थोड़ा तिरछा, हाँ ठीक है ठीक है, इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो सब आप दोबारा आपको वही स्टेप फॉलो करना है, दोबारा से आप मार्क्स पे जाएंगे, कॉपी करने के बाद इससे आप डाउन लेकर आएंगे वीडियो को, ऊपर लेकर आएंगे इसे शुरू तक लेकर आएंगे, फिर डाउन लेकर फिर दोस्तों आप दोबारा मार्क्स पे जाओगे और दोबारा से फिल्म स्टेप करके इसको राइट करोगे थोड़ा सा लेफ्ट, बिल्कुल आराम से सेट करोगे। इसको सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन हो जाता है जल्दी। फिर से आप कॉपी करोगे, फिर से डाउन लेकर आओगे और डाउन लेकर आओगे, सबसे लास्ट तक करोगे, दोबारा से वो स्टेप फॉलो करोगे, दोबारा मास्क पे जाओगे मास्क, और उसके बाद दोबारा से फिल्म स्टिप करोगे, सेट करोगे दोस्तों। थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इस तरह से 3 लाइनें बनानी है दोस्तों, तो थोड़ी एक्यूरेट करने की कोशिश करूँगा मैं। फिर फोर्थ इमेज ले, चौथी वीडियो और ले करनी है, उसके बाद दोबारा से आप सेम वही करोगे, फिर से मास्क पे जाओगे और सबसे लास्ट में से सेट सेट करोगे इस तरह से दोस्तों, इसे आराम से सेट कर लेना। और फिर से आप मास्क पे जाओगे, इसको भी थोड़ी सी दर्द हो गया दोस्तों, इसलिए मैं दोबारा से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सेट हो चुकी है ये, इसे सेट करने में दोस्तों बहुत थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है। अब दोस्तों फिर से आप कॉपी करोगे, फिर से सबसे डाउन लेकर आओगे, और से दोस्तों थोड़ी दिक्कत आ रही है, लो हो चुकी है। जब ब्लू कलर की वो नीचे हेडलाइन है, जैसे समझ लो आपकी स्टे मतलब जो आपकी ओवरले है वो सबसे नीचे आ चुकी है, और फिर आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दोगे दोस्तों। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा मास्क पे जाना है वो, क्योंकि हमारी जो वीडियो बाहर की तरफ नहीं आई है, ये पहले इसको 100% होने देते हैं। मास्क पे जाएंगे, इसको हटा देंगे, देखिए इस तरह से एक कैरेक्टर जो भी है मतलब ये बाहर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों चलने पे कुछ इस तरह से लगेगी, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये वीडियो लिए, वरना मैं और भी ले सकता था, जैसे कि मैं करता हूँ स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन में कोई भी कैरेक्टर ले सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये एक फ्री कॉपीराइट वीडियो निकाली है। तो दोस्तों आपको दोबारा फिल्टर पे जाना है, आपको अब स्टेप बाय स्टेप जो इसका बैकग्राउंड है बताता हूँ आपको, कौन से फोटो जाना है, मूवीज के बाद, नेचर के बाद, रेट्रो के बाद, ब्लैक एंड वाइट के बाद, दोस्तों स्टाइल में जाना है आपको सबसे लास्ट में। उसके बाद मैं ये नियॉन कलर देख रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। अब दिख रहा है, अब मैं दोबारा से जाऊँगा दोस्तों फिल्टर पे जाने के बाद मैं दोबारा से स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे ग्रीन कलर में ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से और कलर जो आपको अच्छे लगे वो कलर बैकग्राउंड में ले सकते हो, पर दोस्तों आपको इसी फिल्टर में से लेना है वरना पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखने का। फिर से आपको ऑरेंज ले रहा हूँ मैं, यहाँ अपने हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पीछे का दिखे,
उसके बाद जो आपका जो लास्ट रह गया बस उसको ही देखना है, लगाना है। मैं इस तरह का लगा रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों देखिए, ये इसी तरह से एडिट होती है दोस्तों, जिस तरह से मैंने करी है, सभी इसी तरह से करते हैं वाले एडिट। ये देखिए दोस्तों, आप इसके पीछे से और भी बहुत चीज़ें लिख सकते हो, आप टेस्ट आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें, लोगो लागो लगा सकते हो अपनी वीडियो में। मैं तो आपको सिखाने के लिए मैंने बताया आपको जितना, देखिए मैं आपको ये लगा कर दिखा देता हूँ। फिल्टर में, बेसिक में, वैरायटी, लव, बिलिंग, पार्टी, पार्टी में जाके मैं कोई फिल्टर लगा कर दिखाता हूँ आपको। एक ये कलर की लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पीछे आप और भी लेयर में लगा सकते थे, आप ग्रीन वाली में लगा सकते थे, ऑरेंज वाली में लगा सकते थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आई होप मैं आपको मतलब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि सामने वीडियो के आके बोलना कैसे, मैं जल्दी सीख जाऊँगा और आपको जल्दी ही और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप वीडियो पर फोकस करें,